हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने यूट्यूब फैमिली स्टडी विथ विकास सैनी पर। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फाइनली आज आपका 14 जून 2024 है और आज के दिन आपका यूपीएससी के द्वारा एक लेटेस्ट एंड बिग अपडेट है वो जारी किया गया है। जी हाँ, अगर आप लोग भी यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2024 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, जितना हो सके आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और साथ ही में अगर आप लोग चाहते हैं कि हर एक लेटेस्ट अपडेट जानकारी आपको सबसे पहले इसी प्रकार अप टू डेट मिलती रहे तो आज ही हमारे इस YouTube चैनल स्टडी विद विकास सैनी को सब्सक्राइब और प्लस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज 14 जून 2024 को यूपीएससी ने आपके जो ई एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए गए हैं। अगर आप लोग भी इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2024 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके प्रेस पत्र यानी कि ई एडमिट कार्ड वगैरह वो आपके ऑफिशियली आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो आप लोग कर सकते हैं। अब आप लोग किस प्रकार से अपना जो ई एडमिट कार्ड वगैरह उसको डाउनलोड कर सकते हैं, हाउ टू डाउनलोड ई एडमिट कार्ड ई एस सी मेन्स 2024 है, वहीं हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, वहीं आपको लाइव बताने वाले हैं। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको विजिट करना है आपकी ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर। तो इसके लिए हम लोग करते हैं ब्राउज़र को ओपन और टाइप करते हैं यूपीएससी। जैसे ही आप लोग टाइप करेंगे यूपीएससी तो आपके सामने इस प्रकार को आपको देखने को मिलने वाला है। जस्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये आपका ऑफिशियली वेबसाइट है, आई होप आप सभी को ये अच्छे से विजिबल हो पा रहा होगा। चलिएगा, तो यहाँ पर आपका जो इस तरफ आपको क्लिक करना है वी ऑल के ऊपर और यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं ये रहा नोटिस, राइट, ये रहा आपका नोटिस। चलिएगा, इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2024 से आपके जो ई एडमिट कार्ड वगैरह वो जारी कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं हाउ टू डाउनलोड ई एडमिट कार्ड। तो सबसे पहले आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक पेज ओपन होने वाला है। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड करना है ये रहा लिंक, इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये रहा आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2024, ये रहा आपका 14 जून 2024 यानी आज और जस्ट अभी अभी आपका ये जारी किया गया है। और ये रहा आपका टू डाउनलोड ई एडमिट कार्ड क्लिक हेयर, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके जो महत्वपूर्ण जो इंस्ट्रक्शन वगैरह वो दिए गए हैं आप सभी को इनको पढ़ लेना है। और बाद में नीचे की तरफ आपको एक यस वाला ऑप्शन वो देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपको इस प्रकार का पेज अब देखने को मिलने वाला है। तो टोटल यहाँ पर आपके दो तरीके हैं, दो माध्यम हैं जिनके माध्यम से आप लोग अपना ई एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। पहला आपका बाय द रजिस्ट्रेशन आईडी और जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो आपका दिया गया है बाय रोल नंबर। जो आपको अच्छा लगे उसी माध्यम से, उसी मेथड से आप लोग अपना जो प्रेस पत्र है ई एडमिट कार्ड वगैरह वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो आपका प्रोसीजर हाउ टू डाउनलोड ई एडमिट कार्ड, राइट। अब इसके बाद में ये कि आपको एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर क्या क्या लेकर के जाना है और साथ ही में आपको किन चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान में रखना है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं जो आपका सेकंड वाला नोटिस है उसके ऊपर। चलिएगा, तो ये रहा आपका सेकंड वाला जो अपडेट है वो ये रहा नोटिस। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी वो देखने को मिलने वाली है, ये आपके सामने आप लोग उसको देख सकते हैं, राइट। तो कुल मिलाकर के आपका 23 जून 2024 यानी कि संडे को आपका एग्जाम कंडक्ट हो गया, यानी कि नेक्स्ट संडे को, राइट। तो ये आपको एग्जाम सेंटर के ऊपर क्या क्या लेकर के जाना है, ये आपका आप लोग यहाँ पर अब देख सकते हैं। जो आपका पहली शिफ्ट है वो आपकी यानी कि कुल मिलाकर के 8:30 बजे से आपका जो मॉर्निंग वाला पेपर है वो कंडक्ट होगा और जो सेकंड है वो आपका
2 बजे से कंडक्ट होने वाला है, राइट। इसके बाद में आपका साथ में आपको एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर ब्लैक बॉल पॉइंट भी लेकर के जाना है, ये आपका पॉइंट नंबर 8, राइट। आपको ब्लैक बॉल पॉइंट आपको एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर आपको साथ में लेकर के जाना है, और साथ में आपका जो ई एडमिट कार्ड है वो साथ में आपको 2 आपको फ़ोटो लेकर के जानी है, जो कि आपकी पासपोर्ट साइज की होनी चाहिए, ये आपका कैरी 2 फोटोग्राफ, और साथ में आपको 1 फ़ोटो आईडी कार्ड भी आपको साथ में लेकर के जाना है। इन चीज़ों को आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपको लेकर के जाना है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप लोग यूपीएससी की जो वेबसाइट है वहाँ पर आप लोग विजिट कर सकते हैं, और जो आपका नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये अपडेट है वो अच्छा ही लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लोग एक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।